नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि अग्निपथ योजना से संबंधित है। आपको बता दें कि बिहार से निकली हुई चिंगारी राज्यों के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी है। जी हां, अब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों में इस योजना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने ये खबर चलाई थी कि किस तरह ये प्रदर्शन अब उग्र और हिंसक होता नजर आ रहा है। ऐसे में एक दुखद घटना ये है कि इस योजना के विरोध में और इस योजना के आने के बाद एक युवक ने अपनी जान दे दी है। रोहतक का रहने वाला सचिन, जो कि इस योजना के आने के बाद काफी दुखी था और उसने फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी है। चलिए विस्तार से इस खबर की पूरी जानकारी देते हैं। आपको बताएं, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली यह चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। दुखद बात ये रही है कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। उधर पल्लव में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चुनाव अभियान के लिए जा रही मोदी की रैली में विरोध जताने जा रहे युवाओं को रोका गया है। वहीं यूपी में भी अभियान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बताएं कि जिस युवक ने अपनी जान दी है, उन्होंने हॉस्टल के रूम में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। युवक का नाम सचिन था, वो जिंद जिले के लजवाना गाँव का रहने वाले है। सेना भर्ती की नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से परेशान थे। परिजन ने बताया है कि सेना की भर्ती कैंसिल होने और 4 साल की स्कीम वाली अग्निपथ योजना आने से दुखी होकर सचिन ने ये कदम उठाया है। तो ये दुखद घटना है और आपको बता दें कि तमाम अलग अलग राज्यों में अब इस योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं युवाओं का। अब ये मांग है, युवा ये चाहते हैं कि इस योजना को वापस ले लिया जाए, क्योंकि इस योजना से देश के युवाओं का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। IVTV देखता है इंडिया।